हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद मी, माय स्टूडेंट, माय ब्रदर. आई हैव टॉट परीश फ्रॉम सिंस 10 टू 12 इयर्स. जब से ये फोर्थ क्लास में था तब से लेके टिल हिज 12th, एंड देन ही मूव टू मुंबई. राइट नाउ परीश इज अ फिल्म मेकर इन US. ही हैज डन हिज कोर्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी. सो दिस ओवरऑल कन्वर्सेशन इज ऑल अबाउट करियर, मूविंग out of your comfort zone, making things happen for you, and getting all from scratch, bootstrapping the things, and finally, all of you, I think many of you know Parish Mandhan. He is a international photographer. I don't want to add anything else. Let's hear it from Parish's mouth. Parish, तो फ्रॉम फोर्थ क्लास छोटे से बच्चे से लेके आज अ फिल्म मेकर इन US न्यूयॉर्क, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. दिस मॉर्निंग इज वेरी सूदिंग फॉर मी. सो परीश, प्लीज टेल मी अबाउट, टेल ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ. ओके, सो सर, सर ने ज़्यादा पुश कर दिया. तो छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ फोटोग्राफर स्लैश फिल्म मेकर. आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी. स्टार्टेड एज यंग, स्टार्टेड फोटोग्राफी एज एन ऑब्सेशन, टर्न इन टू एन ऑब्सेशन, स्टार्टेड एज अ हॉबी. सो बेसिकली कुछ नहीं था यार, वही सब ट्रेंड था, लोगों के साथ फेमस होना था. बस कैमरा पकड़ा और फोटो खींचना चालू कर दिया. बट उसके बाद समझ आया सिर्फ फोटो नहीं खींचना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो या स्टार्टेड आउट एज यंग, स्टार्ट डूइंग फोटोग्राफी. इट्स बिन 8-10 ईयर्स, अबाउट 10 ईयर्स. एंड आई स्टार्टेड इन इंदौर व्हेन आई वाज स्टडिंग एट द गुरुकुल फॉर्च्यूनर्स, एंड आई वाज गुड एट स्टडीज. He's an ex-Choithramian, so we are Guru Bhai. I am from Choithram, he is from Choithram. So this is one more bond that connects us. Bilkul. So we used to, sir, jab ek chota sa coaching tha, tab se humne chalu kara sir ke saath padhna. And then it led to like, I studied there for like 10-11, like till my 12. So basically I never changed my coaching. I was just there, I was studying. And he helped me out with lot of things. He was, you know, like... He helped me out with my schedule, basically. Understand? So basically, when I had my shoot, he was understanding enough to give me some free time. And you know, like how things work out, because photography at that time was not a big, you know, like something a person would think to turn it into passion. उस समय धीरे-धीरे उन्हें एक लहर चल रही थी, but ना every Tom Dick Harry अब कैमरा उठा के बिल्कुल बोलते ना photography करनी है, but professional photography वो dedication था. बिल्कुल. उसमें से एक मैं भी था. Tom Dick and Harry में से मैं भी एक ही था. I would say that, but the later I realized it's not about it's not about just shooting. Like I'm a fashion photographer, I shoot pretty models, and that's what people think. But I think it's not about just shooting pretty models. It's about capturing a moment or just being lost when you are shooting. You know, you have वो एक 5 मिनट तुम्हारे एक दिन के जिसमें तुमको लगता है कि यार ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है. तुमको उस टाइम पे ना पैसे का फर्क पड़ता है, ना पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारे आसपास कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिर्फ फर्क पड़ता है तुम क्या कर रहे हो. इन बिटवीन थोड़ा बोलना चाहूंगा. सबसे पहले आप परीश मानधान के अगर पेज पे जाके उसकी फोटोग्राफी स्किल्स देखेंगे तो यू विल एक्चुअली नो हु ही इज. अब ये बहुत उसको बहुत इजी वे में ले रहा है, बट परीश मानधान इज अ फोटोग्राफर, इज अ फिल्म मेकर. तो इवन बिफोर कंज्यूमिंग दिस पॉडकास्ट, इवन गो टू हिज पेज. अगर आप इसका इंस्टाग्राम पे इसका पूरा फोटो जो इसका हम क्या बोलते हैं उसको, आपका आईजी प्रोफाइल, आईजी प्रोफाइल देखेंगे तो यू एक्चुअली नो व्हाट ही इज डूइंग आउट देयर. ये बहुत कूल लेवल पे है, क्योंकि जब हम लोग मिलते हैं तो हम वो सब चीजें भूल जाते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या है. बट फ्रॉम 12th ही मूव टू मुंबई से, मतलब फ्रॉम आई हैव टॉट परी फॉर अप्रोक्स 10 इयर्स, फ्रॉम 4th क्लास टू 12th क्लास तक पैसा था. देन ही हैज स्टार्टेड हिज करियर इन फोटोग्राफी. यू मूव टू मुंबई एंड देन रेस्ट इज अस हिस्ट्री. सो मुंबई के बाद कैसे, मतलब US जाने का क्या क्राइटेरिया रहा, कैसे स्टार्ट किया? सो फर्स्ट थिंग इज
Like I never thought. I mean, yes, location was a factor. एक location factor रखता है कि जहाँ तुम हो. अगर मेरी industry है या अपना मतलब film industry है basically. You there are certain things you can do in Indore. Like you are not limited, but you are limited. So I preferred that I would go to Mumbai, assist a photographer, right, and then see how it goes. So I made this 100 photographer list. Okay. Google पे गया, 100 top 100 photographers, wrote everything down. I didn't know, मेरे को English भी नहीं बोलना आता था proper. I'll be honest, like I mean I'll talk in English, but these people I'm talking are like big in industry, you know. So even if you should have those you should have that confidence, right? So I called all the people and I was like, अरे sir, English में Hindi में I was trying to, you know, and they were like, oh yeah, just another guy. We don't have this. Then I kind of lost hope. Someone gave a contact to my sister and I kind of contacted the photographer. एक बार उनसे बात करा तो उन्होंने बोला अच्छा आ जाओ. So cut to short story, it's a very, you know, like bits and ups and downs. But then I started assist करने के बाद there was something still left. I felt there was something missing still. So you know, I thought why not try New York. So I just took that decision, you know. So it's more about, you know, like sometimes there is certain decisions which you know you gotta take. The andar se, you know, ek intuition aata hai ki yaar ye mere liye life mein sahi hai. Sometimes connecting the dots, destiny mein kahin na kahin hota hai. My first question is right now ki Parish has done his schooling from New York Film Academy because he was into photography. So sabse pehle Parish, you started from New York Film Academy. सबसे पहले तो एक normal question होता है कि क्या बच्चे 12th के बाद move on करें, मतलब out of India, कि वो अपना थोड़ा सा graduation थोड़ा settle यहाँ पे हो, फिर वो move on करें. क्योंकि एक conversation talk में शायद अभी हम जब कर रहे थे when we were offline, तो परीश ने मुझे बताया कि सर there are times जब वहाँ पे आपकी life में ups and downs आते हैं, setbacks आते हैं, तो बहुत बार 4-5 महीने के बाद आपको वापस आने की इच्छा होती है, लेकिन आपको वहाँ पे survive करना रहता है. So is it mature enough कि if a student post 12 move to out of the country, or जैसे परेश ने after 12 he moved to Mumbai, वहाँ पे पहले adjust हुआ, adapt हुआ, and then he has made the decision of going to US and out of US, UK, anywhere else. So परेश बच्चा कब जाए, मतलब अगर मैं बोलूँ. ओके सर, मेरे को लगता है कि अगर आपका ऑलरेडी शुरुआत से प्लान है कि यहाँ पर तो मेरा फ्यूचर नहीं है, अगर इफ यू प्लानिंग दैट, आई वुड से जैसे 10th क्लास के बाद लोग कॉमर्स और PCM मतलब साइंस में कैटेगरीज डिसाइड करते हैं कि व्हाट आर दे गोना डू फॉर द फ्यूचर, मैं बोलता हूँ तभी उनको चालू कर देना चाहिए अपनी, यू नो, लाइक क्रिएट जॉब्स, और नॉट क्रिएट जॉब्स बट लुक फॉर जॉब्स एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर दे वांट टू बी, बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट दोज जॉब्स विच दे आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 1-2 साल लगते हैं, मतलब बिकॉज मतलब 10th के बाद से विजन क्लियर होना चाहिए. विजन क्लियर नॉट ओनली ऑफ सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो वॉट प्रोफेशन यू वॉन्ट गेटिंग. सो क्योंकि परीश ने 9th क्लास से फोटोग्राफी शुरू की थी, मुझे पता है बहुत डांट खा रहा था उस समय, बिकॉज 9th इज अ वेरी यंग एज, बट कंसिस्टेंसी ही वॉज प्रिटी श्योर सर मेरे को फोटोग्राफी में ही जाना है. सो लाइक ये कंसेप्ट आ चुका है जूनियर कॉलेज, मतलब 11-12 इज लाइक अ जूनियर कॉलेज इन इंडिया ऑल्सो. सो ओके विजन क्लियर होना चाहिए फर्स्ट. हाँ बिल्कुल, बट it's I would add on to that, and it's okay if you do not have clear vision. There are no rules basically. Agar nahi hai to bhi chalega, sometimes it's just about exploring. So if you have like 5 things, even if you want to track it down, you would just I would suggest this is an exercise, right? Go home, write 5 things you do every day, and you would find a pattern of what you like, right? Just follow that, and if you don't like it, follow the other thing. I mean, you know, it's a simple explore. I mean, agar aapko nahi pata hai, mere ko bhi nahi pata tha yaar, mere ko commerce karna hai, science karna hai. It's more about, you know, like exploring. Like, मैं तो कॉमर्स विद आईपी था, फिर भी मैं सर से मैथ्स पढ़ता था.
ग्रेट, वो हमारा एक करिकुलम रहता था, मैं बच्चों को हमेशा आज बताता हूँ। फर्स्ट इज जो हम एक बात कर रहे थे अगेन ऑफलाइन, एक तो हम बात कर रहे थे कि आज भी मतलब अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, बट मैथ्स इज द कॉमन टास्क जो हर जगह काम आता है। मेरे बच्चे जो यूएस जाते हैं जो जीआरई देते हैं तो उसमें भी मैथ्स है, देन सेट की एग्जाम्स होती है अगेन यूएस जाने के लिए, देन आपको मैथ्स आता है। परीश इज ऑल द वे फ्रॉम दी लाइक फोटोग्राफी इंडस्ट्री, तो इसको मैथ्स से बहुत ज्यादा एनकाउंटर वहां पे जाके नहीं हुआ होगा, बट आई थिंक इन कंट्रीज लाइक यूएस द मोर ऑफ साइंस ओरिएंटेड मींस मैथ्स ओरिएंटेड। सर आई वुड से बैलेंस नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है सर ओरिएंटेशन आपको जॉब हर जगह मिलेगा, हर चीज में मिलेगा, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड, यू नो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड यू हैव ज़ील टू नो व्हाट्स देयर, इफ बेसिकली यू शुड बी क्यूरियस इनफ, लाइक इट्स इट कम्स डाउन टू अ फैक्ट, यस इट्स अबाउट मनी, बिकॉज कुछ लोगों का गोल ही रहता है कि यार पैसा ही बनाना है, पैसा ही बनाना है, और इट्स टोटली फाइन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मनी हैप्पीनेस इज लाइक फॉर मी इट्स मोर अबाउट यार मेरे को खुश रहना है तो पैसा कम भी आएगा चलेगा, बट कुछ लोगों के लिए पैसा ही खुशी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप दिल से आपको जो चीज पसंद है वो काम करते हो तो फिर फैक्टर ही नहीं ना सर, क्योंकि अगर आप दिल से काम कर रहे हो और आप इतने परफेक्ट हो उसमें तो जॉब सामने वाला आपके लिए क्रिएट करेगा, बिकॉज Because you love the job. You love the job and you're unique. You are willing to put 1000 time efforts more than the person. यहाँ पे दो एंगल जो हम लोग अगेन बहुत कुछ ऑफलाइन हम लोग ड्राइव पे बात कर रहे थे। वन इज ही इज टॉकिंग अबाउट जुनून, ही वाज टेलिंग सर आप बोलते थे कि जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, तो जैसे मेरे लिए मेरा जुनून था टीचिंग के लिए, तो जो ये हम लोग बात कर रहे थे कि जुनून मतलब समथिंग कि आपको उससे पैसा मिले ना मिले, आपको ऐसा जुनून होना चाहिए इसके लिए आप रात को 2 बजे तक काम कर सकते हो, सुबह को 4 बजे भी उठो तो उतनी एनर्जी के साथ उठो, because actually you love the job, isn't it? If you love the job then money will follow you, like in my profession also ki if I love teaching to money will follow me, there is jo chehre pe sukoon aata hai wo aapke job se aata hai, ha wo aapke junoon se aata hai, ha ek hi cheez hai, agar jaise main aapko agar sone jaunga aur abhi aaj bhi I am happy that I'm gonna wake up tomorrow and do something I like and I love, right? And I've seen people and I know people who sleep and before sleeping वो बोलते हैं कि यार कल सुबह फिर से जॉब है। अभी what kind of person you wanna be is up to you. If you I'm not saying again the A is right and B is wrong. I'm just saying आपके लिए क्या सही है, अगर आपको कल बोलना है कि यार फिर से जॉब है मतलब यू आर नॉट इनटू इट देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट, दैट्स हाउ आई ट्रीट इट, बट दैट बीइंग सेड इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये एक मेरे सेशन का पार्ट होता है हमेशा, व्हाट जब मैं सेशन बढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं ये बात बोलता हूँ कि इफ यू आस्क एनीवन इवन परीश मी और एनी योर फादर योर मदर इफ यू टेक नेम तो अप्रोक्स इन अ डे ऑफ 24 आवर्स आपकी 8 आवर्स की अप्रोक्स स्लीप होती है, तो आपके लाइफ में 16 आवर्स बचते हैं, मतलब कुछ भी अचीव करना है, सेटिस्फेक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो दैट 16 आवर्स आउट ऑफ दैट 16 आवर्स मिनिमम जॉब वर्किंग आवर्स आर 8 आवर्स, मतलब 8 टू 10 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, फोटोग्राफी में हो, टीचिंग में भी हो। तो जब मैं बच्चों को एक पूरा लॉजिस्टिक समझाता हूँ कि आपकी अलाइव लाइफ रहती है 16 आवर्स अ डे, आउट ऑफ 24 आवर्स 8 आवर्स तो आपकी स्लीप और उस अलाइव लाइफ में से 8 आवर्स मतलब हाफ ऑफ योर डे यू स्पेंड विद योर वर्क, yes not with your family, not with your friends, yes. And that too not for a single day, okay, for a life, yeah. So what I try to convert in my sessions also, your half of your life is your work, it's not what the time you spend with your mother, spend your spouse or anyone, aur agar wo half of your life mein aapko sukoon nahi mil raha, bas maza nahi mil raha, that's the point, aur junoon nahi mil raha, to matlab aapki na aadhi zindagi kharab hi ho gayi, matlab agar koi aapki autobiography likhe to uske maximum moments kahan ke hote hain, aapke work ke, kyunki aapne apni aadhi se upar zindagi, main to bolta hu aadhi se upar ki baki time bhi bahut baar aapka 8 hours work nahi hota, usse lamba extended work hota hai, aur agar apni us आधी जिंदगी में सुकून नहीं पा पा रहे हो तो आपने एटलीस्ट ये वर्क तो खराब कर दिया। और फिर बताओ आप क्या करते हो, आप जो पैसा उस वर्क से कमाते हो आप उससे सुकून ढूंढते हो, उसको खर्च करते हो कि यार मजा आ जाए, कहीं चले जाए, कहीं वेकेशंस पे जाए। जो लोगों को काम में मजा आता है ना, हम लोग वेकेशन ढूंढते नहीं, हमारे लिए हमारा वर्क ही वेकेशन होता है, कि जिस दिन काम नहीं होता ना उस दिन हम बोर होते।
होते हैं। जैसे अगर मेरा दिन संडे होता है मैं संडे को आज भी बैचेस रखता हूँ क्योंकि बैचेस नहीं होगी सुबह करूंगा क्या रोड के। बिल्कुल बस तो अब परीक्ष के लिए का फोटोग्राफी नहीं होगी यार, पैसे नहीं भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन यार मजा तो आना चाहिए, कुछ नए लोगों से मिले, कुछ नया आर्ट क्रिएट करें। बिल्कुल। सो द पंच लाइन इज ट्राई टू कन्वर्ट योर प्लेजर इन टू योर वर्क and get paid for it. Okay, yes. I would add on to that. Abhi, whosoever sees my Instagram profile, right? 80% of the work is I don't get paid for. What you see on my Instagram is nothing I get paid for. The stuff I get paid for is on my website. Because that, but Parish is earning good. That being said, yes, let's do a point. वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि photography is a good profession. Yeah, let's. And Parish ने एक अच्छा level achieve करा हुआ है। ये थोड़ा सा कैमरे से डिवीट होके हम बात कर लेंगे बाद में। okay. लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं अभी नंबर्स देता हूँ सीधा सीधा। I'll tell, I started, this would make sense now. I started with 10 rupees per picture. Today, I charge That's my rate. So that's the difference in last 10 years. From 10 rupees to $5,000. Haan, abhi, matlab, it varies. I'm not saying out of pride. I'm just saying just because I, you know, to prove a point that... 4 lakh per picture. I offer 4 lakh per day. Not per day. Not per picture, but yeah, per day. And it's something, makes me proud that someone is willing to pay that much. And I started with 10 rupees. That's so to prove a point that I come from somewhere, not that it's like I'm boozing about it. Or I'm showing off. But I lost the thought. What you talking? मैं इस चीज को इसलिए add on करना चाहता हूँ कि if you think कि अगर अपना passion, मैंने financial figures हमको कभी interest नहीं देगा, मैं और हम जो offline बात कर रहे थे, financial figures हमको बहुत interest नहीं देते हैं. It's only for the audience. Why for the audience? कि जिनको लगता है कि अगर आप 10 रुपए पर picture पर start कर रहे हो और आपको जो दुनिया बोलती है आप गलत कर रहे हो और आप क्या अचीव कर लोगे, या आपको जज ही सिर्फ financial से करती है, इसीलिए financial एंगल हमने एड ऑन किया. अदरवाइज अगर हम बात करें तो अगर आपने अपने जुनून के पीछे भागते हो तो टू बी वेरी फ्रेंक मैं फाइनेंशियल्स की तो गारंटी पूरी नहीं दे सकता, बट सुकून बहुत मिलेगा आपके चेहरे पे. एक है ना जो वाइब होती है, जो आपका ऑरा होता है, जो आपकी रैपो होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी एंड यू स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी, मतलब पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, गेटिंग इट. सो दिस इज व्हाट परीश, एक बच्चे को न्यूयॉर्क जाना है, मिनिमम एक्सपेंसेस कैसे ट्राई करे, कैसे जाए, और अलग अलग कोर्सेज होते हैं, तो व्हाट्स द लाइफ इन न्यूयॉर्क? Life in New York is very fast. If we have not lived in fast city, it's gonna be like I will lay out all the facts as simple as it's hard, it's fast. That being said, it's worth it, right? It's all you need is patience and passion. Okay. So hard, tough, patient. Patience भी आती है, patience and passion. Passion. So ये एक कुछ like अगर अब बच्चा start करता है इंदौर से, अब उसको न्यूयॉर्क जाना है, तो वो क्या मतलब एक कैसा फ्लो रखे, अपने माइंडसेट कैसा रखे और कैसे तैयारी करे और क्या? Okay. तो I don't know much about how study pattern goes, but basically it's IELTS, GRE or whatever. You know the mindset is don't expect a lot, don't expect less. Right balance, okay. Be ready to cry because there's gonna be day you're gonna cry because you're away from family or aaj tak aap 10-12 saal kabhi alag nahi rahe. Or be ready to you're not gonna come home in 1 or 2 years unless you are very passionate. Like I came home after 3.5 years today, like few days back. So aap ready raho uske cheezon ke liye. But that being said, if अगर आपका पैशन ही सब कुछ है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगेगी. सोशल एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें एक पार्ट ऑफ लाइफ है. बट एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी, लोग इतना बुरा बोलते हैं, है बुरे हैं, बट when they teach you something, it's a part of life. Like when you come out of it, you're a different person and you're proud of yourself that you dealt with it. Like people talk about and you will see YouTube pe videos hai depression kaise handle karna hai, but when you go through it that all doesn't make sense. But that being said,
when you come out of it, when you face it, अकेले रहना, डिप्रेशन, एंजाइटी, व्हाटएवर, आई एम नॉट सपोज्ड टू स्केयर पीपल, बट आई एम जस्ट लाइक, दिस इज वन काइंड ऑफ इनपुट. राइट नाउ अगर मैं बोलूं तो आई एम ब्लेस्ड इनफ कि कम से कम मेरे 40 टू 50 स्टूडेंट अक्रॉस ग्लोब है. कुछ यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है. यूएस में करीबन 15-20 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया है. हम कहीं ना कहीं 12th में एनकाउंटर हुए थे या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू एनकाउंटर हुए थे, कभी जीआरई के थ्रू एनकाउंटर हुए थे. तो वन कॉमन थिंग इज किसी जो पहले के 6-8 मंथ्स होते हैं ना, तो देयर इज अ टाइम, जी परीक्षा ने बोलना चाहना, देयर इज अ टाइम केम जब आप ब्रेकआउट हो जाते हो, क्योंकि आपके लैंग्वेज के लोग नहीं है, तो द लैंग्वेज इज द डिफरेंस, कल्चर बैरियर है. हमारे यहाँ सबको गले रख के मिलते हैं, वहां भी ठीक है, गुड कल्चर है, बट द लाइक वी कंसर्न एंड केयर. तो बहुत बार जब आप दूसरी कंट्री में होते हो तो द कल्चर इज डिफरेंट, द पीपल आर डिफरेंट, द एटमोस्फेयर इज डिफरेंट, द वेदर इज डिफरेंट, तो कहीं ना कहीं सेटबैक्स आते हैं. हाउ टू मोल्ड योरसेल्फ इनटू द एनवायरनमेंट, एडेप्टेबिलिटी इशू आता है, और कहीं ना कहीं वो एक बोलते हैं ना होम सिकनेस को बोलते हैं, होम सिकनेस आती है. तो लोग बताऊ, मेरा तो कुछ स्टूडेंट्स है, आई गॉट वन मोर स्टूडेंट ऑफ माइन, वो जब जा रहा था उसने बोला मेरे को सबने बता के रखा है कि होम सिकनेस हो गया, इसलिए मैं सबसे गले मिलकर जा रहा हूँ. कि अगेन वी विल बी हैविंग वन मोर पॉडकास्ट विद हिम, बट उसने बोला सर मुझे पता है होम सिकनेस होती है वहां पे जाके, क्योंकि वी इंडियंस आर क्वाइट बोलता ना कि हेल्दी पीपल, मतलब हमको गले लगना, बातचीत करना, और वहां पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है थोड़ा कंपेयर्ड. और इनिशियली क्योंकि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, इनिशियली आपको आपकी फैमिली बनानी पड़ती है. वंस द फैमिली इज क्रिएटेड ओवर देयर, तो परेश शेखर बताता था कि जब वहां पे भी एक अच्छी फैमिली क्रिएट हो जाती है, फैमिली मींस योर फ्रेंड्स बिकम योर फैमिली, देन उसके बाद हैंगिंग आउट और चीजें शेयरिंग होती है, देन बिकम्स इजी. कटिंग न्यूयॉर्क जाना, यूएस जाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क, यूएस जाना, बहुत सारे कोर्स हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स होते हैं, फोटोग्राफी के कोर्स होते हैं, फिल्म मेकिंग के कोर्स होते हैं, साइंस रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंडस्ट्री के बहुत सारे कोर्स होते हैं. इवन अभी बहुत बड़ा स्कोप कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हो गया, बिकॉज जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया है, मतलब वो बहुत बड़ा स्कोप रखती है वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज हमारी थोड़ी डिफिकल्ट अकाउंटेंसी होती है. तो जो बच्चे डेलॉइट में रहते हैं उनको यूएस टैक्सेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आती हैं. तो how it is worth it, matlab har angle se, as in like in terms of career wise, is career professionalism, the lifestyle, okay, and the finances, okay. I mean again depends on what you're doing, depends on what your goal is, but yes, financial money wise it's worth it, yes. Right. Then in terms of career, it depends what kind of work you are doing and what kind of person you want to deal with. I mean, I don't know how to explain more about that, because it depends what your purpose is. You know, like अगर आपको इंडिया में रहना है, इंडिया में रहो. इंडिया में ऐसा नहीं है कि कम अपॉर्चुनिटीज है, मुंबई में भी बहुत चीजें हैं, मतलब I'm just saying, but it's more about what do you want in life. Like for me it was just I was not satisfied if it comes to that, so it totally depends, but I would say according to me and my experience, financial life, yes. Social life, yes. I mean, obviously, I miss my parents and there's no comparison on that. But still, and lifestyle, 1,000 times, yes. It's different. Kind of vibes and people. I'm grateful that I'm working in New York. I be around people and I'm working around people who talks about, like, you know, like they are head of marketing at Spotify. So when they talk and you listen, the amount of, like, I recently shot for Indian consulate in New York, right? And then just listening, the UP minister came for to raise funds for UP. That was a big deal. And listening to those people talking about thousands, crores, and you're like, where am I? You know, so it depends what way you want to be. And
you would never know where you would end up just following what you want to do. हाँ मतलब एक एंगल और समझ में आ रहा है, sky is the limit. आप जब इंदौर में रहते हो you think कि मुंबई बेंगलोर में बहुत अच्छा पैकेज है, when you move out there then आपको लगता है यहाँ पे पैकेज थोड़ा कम है, I can explore further more. And then when Parish is right now in New York, he's having a good life, good overall he's satisfied. मतलब whatever he's doing, he has got that kind of vibe I am feeling with him, so satisfied. Even financial life is quite good. And again, even when you earn some crores and you think the market is further big, so sky is the limit. You cannot restrict yourself to the small things or the small part. आपको कहाँ तक बढ़ना है या आपके tangent पे, आप किस tangent पे खेलना चाहते हो? मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि orbits, आपको अपने orbits change करने पड़ेंगे. Like परीश ने इंदौर से orbit पहले लगाया मुंबई, फिर मुंबई से अपना orbit change किया, he moved to New York. हो सकता है अब New York में पहले से photography, then film making. He has recently completed a film. So आपको ऑर्बिट चेंज. और अब जो मैं से प्लान, हम लोग ऑफलाइन जो बातें करते हैं कि सर मुझे ये भी करना है, ऐसा भी करना है, ये करना, बहुत कुछ बाकी है, तो आपको अपने ऑर्बिट चेंज करते रहने पड़ेंगे. क्योंकि अगर आप एक ही ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेम पैकेज सेम लाइफस्टाइल में रहेंगे. तो ऑर्बिट चेंज करना पैशन के साथ, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए ऑर्बिट चेंज करेंगे तो शायद हो सकता है, मैं फाइनेंशियल टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट सेटिस्फेक्शन बहुत ड्राइव नहीं होता. तो आपको अपना पैशन और ग्रोथ को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा. बट एक चीज है सर, I would say orbit, yes. I mean, so for example, filmmaking, but photography is always going to be something I do, you know, like it's the priority, right? But that, filmmaking is an add-on, okay? So I would say take one industry or take one good thing you are good at or you're just okay and you like it and make yourself the best. गुरुकुल के जो डेज थे बचपन से लेके, बहुत सारी मस्तियां, बहुत सारी मस्तियां करें. क्योंकि आज जब भी टू बी वेरी फ्रेंक, इफ आई एम सीइंग समवेयर इन 20 to 23, ही इज अ मैच्योर गाय राइट नाउ, ही इज टॉकिंग सेंस, बट सम टाइम मैंने तब से देखा है ही वाज इनसेंसिबल. फोर्थ क्लास से मैं बात कर रहा हूं टू 12, ऐसी कौन सी मेमोरीज हैं, कौन सी चीजें हैं? और बोलते ना कि वो इसलिए मैं चाहता हूं कि जब आज कोई बच्चा बोलता है ना, उसको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं या आई एम फिगरिंग आउट व्हाट आई विल डू, तो परेश वाज आल्सो फिगरिंग आउट. तो ओल्ड गुरुकुल डेज, ओल्ड इंदौर डेज से ऐसी क्या चीज थी जो बताना चाहोगे आप ऐसे थे और राइट नाउ व्हाट हैव चेंज यू टू दिस? कुछ गुरुकुल डेज याद आते हैं या कुछ और चीजें हैं इंदौर की कुछ चीजें? बिल्कुल, आई वुड से एज इन पूरी चीज को एज अ होल इन द नटशेल, आई वुड से आई एम द सेम पर्सन हु इज स्टिल इनसेंसिबल. ओके, आई मीन आई एम टॉकिंग सेंस बट इन माई माइंड आई एम इनसेंसिबल. आई मीन इफ इट मेक्स सेंस आई डोंट नो, बट आई स्टिल एंजॉय द सेम, आई एम स्टिल हैप्पी. And the only reason I'm, there are multiple factors of being happy, but the major reason I'm happiest, coming back to the point, I'm doing what I love. Okay, so in a nutshell, also apna gurukul ki yaadein to hai, kyunki 12 saal the wahan par apne. Aur aise abhi I can still, matlab abhi aapne jab bola tab mereko click hua, apan नकराली रानी या कहीं तो चौकी रानी, चौकी रानी गए थे एंड देयर वाज दिस हॉर्स कैरिएज. और आई कैन स्टिल सी हर्षित मुस्कान जेठवानी, साहिल, हर्षित मुस्कान, साहिल. तो देयर आर यू नो लाइक दोज मेमोरीज यू शेयर. यस, कैरी हाउस में भग गए थे, उनको बुला के लाया था, बहुत चिल्लाया था वो, इसलिए याद आ रहा है उसको कि ये पीछे. तो It's a fun thing. It's always it's about studies, but it's sometimes also about, you know, just having fun, because that's what life is about, right? I mean, why stop having fun and why stop being happy? You know.
सो इट वॉज इंडीड मैं बोलता हूँ कि सोल एनहेंसिंग पॉडकास्ट फॉर मी. ये मेरे लिए कोई वो नहीं था, मेरा जो हमारा मेन पर्पज था कि मतलब आज जब बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे एंगल्स पे, मतलब परेश इफ यू स्पीक तो एटलीस्ट ये एक ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी है और जिसके बारे में हो सकता है यू नो बेटर देन मी बिकॉज आई एम अ प्योर कॉमर्स टीचर और अ मैथ्स टीचर. सो दिस वॉज फॉर दैट. बट जब हमने ये बात करी, जब हमने इस चीज को क्रिएट करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोगों ने ना कुछ कंटेंट लेके बात करी. राइट नाउ ऑन दिस मॉर्निंग अगर हम 7:30 है साथ में तो वी आर एंजॉइंग दिस मॉर्निंग और इनडीड एक ग्रेट मेमोरी परी छोड़ के जा रहा है. एटलीस्ट ही इज इन इंडिया फॉर 10 to 12 days बट वेल अब ये जहां जाता है जिस कंट्री पहुंचता है दिस थिंग इज द मेमोरेबल मोमेंट फॉर अस. सो परीश बिल्कुल इट्स अ ग्रेट टाइम एंड फन टॉकिंग टू यू. ग्रेट 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 जब एक टीचर स्टूडेंट से मिलता है और वो इस प्रकार की, मैं बच्चों को बोलता हूँ डोमेन और रेंज का कंसेप्ट. नाउ दिस इज माय रेंज कि जब आप पढ़ाते हो और आपके बच्चे बहुत आगे पहुंचते हैं बहुत ज्यादा सुकून मिलता है माँ बाप को और टीचर को. आप सोच नहीं सकते कि वो कितना प्राउड फील करते हैं और टीचर हो सकता है इतना, माँ बाप तो और ज्यादा, मतलब उनकी आंखों की खुशी. आप मैं कल ही एक सेशन में बात कर रहा था कि पेरेंट्स खुद कितना भी अचीव कर देंगे ना वो कभी वो उसका वो नहीं करेंगे शो ऑफ. बच्चा कुछ भी करेगा ना अरे ये कर रहा है. तो दिस इज समथिंग and thank you so much. बिल्कुल चलें.